काफी अच्छी है, थोड़ी सी लेंथी हो गई है लेकिन पॉइंट प्रूव हो गया फिल्म, ओके है लेकिन मुझे डायरेक्शन बहुत ही जबरदस्त लगा अनुभव सिन्हा का, इस डायरेक्शन बेस्ट। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें एक्ट्रेस ने बहुत ही नेचुरल एक्टिंग करवाई गई है, डायरेक्टर ने बहुत ही बढ़िया काम करवाया और बढ़िया एक्ट्रेस लिए, तपसी पन्नू इज वेरी ग्रेट। बहुत मस्त मूवी है, मतलब एक ऐसा पल नहीं गया जब हम मूवी से थोड़े से भी डाइवर्ट हुए। इट इज़ अ वेरी गुड मैसेज, यू नो इट्स अ न्यू कॉन्सेप्ट, लाइक यू नो नाउ डेज यू नो द लेडीज हु आर एट होम इवन इफ दे आर एडुकेटेड यू नो कि जस्ट एक मतलब कितना भी आपको आउटसाइड का स्ट्रेस हो once matlab your family is not responsible for that you know like we you know we feel very easy to say a sorry to our colleagues or boss or friends you know because humko wo dar rehta hai ki agar hum acha behave nahi karenge to maybe you know that people will not speak to us the next day actually isme wo director ki bahut badi galti hai pehle to aisi picture banani nahi chahiye aisa ki samaj mein wrong message ja raha hai kyunki ek choti baat ko bahut bada issue bana diya hai isko aisa hota nahi life mein लाइफ में हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ होता है ऐसा, कभी आदमी की भी गलती हो जाती है, औरत की भी गलती होती है, तो इसका इतना डाइवर्स तक खींचना वो बराबर नहीं है। और ऐसा आजकल के सब औरतें भी मॉडर्न हो गई हैं, ऐसा नहीं होता है ऐसा कि थप्पड़ का सामने जवाब नहीं देंगी, वो तो गलत है। पहले के ज़माने में सब होता था ऐसा, अभी नहीं होता ऐसा। वो आदमी लोग डरते हैं, हमारे जैसे आदमी डरते, हमने कभी औरत का कभी हाथ भी नहीं उठाया, तो ये रॉन्ग मैसेज आ रहा है समझ में। परफॉर्मेंस वाइज तापसी पन्नू ठीक है, इसका रोल के हिसाब से ठीक है। क्या गलत लगा आपको मैं? गलत में यही नहीं, मेरा सिस्टम टूट जाएगी इसकी वजह से, सब लोग ऐसा ही करेंगे, कोई आदमी मार दिया उसको तो गलत है ना, एक उसको इश्यू बनाना एक छोटा गलत भी तो होता है नहीं, वो सिचुएशन भी देखना चाहिए, वो पार्टी में वो आदमी ड्रिंक किया हुआ रहता है उसका, वो दूसरे के साथ सुनिए नहीं, इसमें ड्रिंक का वो झगड़ा कर रहा है दूसरे के साथ में, वो बीच में आ जाती है, वो तभी वो दूसरे के साथ झगड़ा कर रहे हो बीच में आ जाता है, तभी गलती से उसने मार दिया और इससे 50 बार माफ़ी मांगी उसको, और माफ़ नहीं करना वो तो सबसे बड़ी बात है, गलत है। सबसे अच्छी बात जो औरत लड़ रही है अपने मन की, जो मतलब ऐसा नहीं कि अहंकार से भी नहीं लड़ी, उसके दिल में जो लगी है उसके लिए लड़ गई, और औरत को वैसे लड़ना भी चाहिए। ओवरऑल इज आई थिंक इट्स अ मस्ट वॉच फॉर अनुभव सिन्हा की मूवीज़ बहुत ही रियलिस्टिक होती हैं, और ये एक और रियलिस्टिक मूवी है, महिलाओं के ऊपर जो उत्पीड़न होता है उसके ऊपर ये मूवी दिखाई गई है। हालांकि लोग कह रहे थे कि सिर्फ एक थप्पड़ के लिए डिवोर्स, लेकिन ये एक शुरुआत है, इट्स द फर्स्ट स्टेज। और आज हमारी सोसाइटी में मानसिक उत्पीड़न के साथ साथ इतने रेप मर्डर हो रहे हैं औरतों के, जो हो रहा है वो नहीं होना चाहिए हमारी सोसाइटी में। तो यही मूवी दर्शाती है, देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सोशल मैसेज एंड इट्स अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट। आई विल गिव 4 स्टार्स। 5 4.5 2 4 आई विल गिव इट अ